जम्मू कश्मीर चुनाव से ठीक पहले उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अफजल गुरु को फांसी के पक्ष में नहीं थे, साथ ही कहा कि अफजल को फांसी से कुछ हासिल नहीं हुआ। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. बड़ी खबर में अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में तो योगी के बुलडोजर को लेकर सियासत तेज है ही, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में चुनाव में भी बुलडोजर की गूंज है। चुनाव प्रचार के दौरान अब बुलडोजर की दुहाई दी जा रही है। कैसे और क्यों कश्मीर चुनाव में बुलडोजर ने एंट्री मारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में चला बुलडोजर, हिल गया कश्मीर। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं। असम में मुसलमानों पर एक्शन, कश्मीर में हलचल। जिस तरह असम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को। बाबा के बुलडोजर की गूंज 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी सुनाई पड़ रही है, जिससे वहां की ठंडी फिजा अब सियासी बयानबाजी से गर्मा गई है। सियासी दल अपने अपने दावों और वादों के साथ चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। विपक्षी दलों पर जुबानी वार तेज हो चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच कश्मीर में बाबा का बुलडोजर भी गरज रहा है, जिसकी गूंज गांधरबल में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के दिए गए बयान में सुनाई पड़ी। मौका चुनावी सभा का था, जहां अपनी परंपरागत सीट गांधरबल में लोगों से वोट मांगने पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उमर ने कहा कि जो यूपी में मुसलमानों के साथ हो रहा है उसे सभी जानते हैं। जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। कश्मीर में बाबा के बुलडोजर की गूंज सुनाई पड़ने की सबसे बड़ी वजह है सियासत। हिंदू मुसलमान की राजनीति का राग अलाप कर कोशिश है कि अपने अपने वोट बैंक को इस चुनावी मौसम में पूरी तरह से साध लिया जाए। यही वजह रही कि यूपी के साथ उमर के भाषण में असम का भी जिक्र आया, जिसमें उन्होंने सीएम हेमंता बिस्वा सरमा पर मुसलमानों पर अत्याचार के आरोप लगाए। जिस तरह असम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां बीजेपी शासन के दौरान मुस्लिम छात्राओं को हिजाब उतारने पर मजबूर किया गया। उमर के निशाने पर इस सभा में पूरी तरह से बीजेपी रही, जिस पर मुसलमानों पर अत्याचार करने का उन्होंने आरोप लगाया। कश्मीर चुनाव में इस बार खास बात यह भी है कि उमर अब्दुल्ला अकेले उम्मीदवार हैं जो दो जगहों गांधरबल और बड़गाम से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में घाटी की 47 सीटें जबकि जम्मू संभाग की 43 सीटें आती हैं, जहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन फेज में चुनाव होंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।